Hello dear students, welcome in the e-class of Sanskrit. Students, today in this class we are going to study chapter 8, that is Kashayam Ko Aparadha, means what is the fault of saffron clothes. Students, Kaka Saheb Kalelkar worked with Mahatma Gandhi for a long time and had the opportunity to stay with him, to travel with him and to exchange ideas with him. In this chapter, one interesting incident which was written by Kaka Saheb is presented here. The main moral of this story is that one should not allow one's position to become an obstacle in the process of social service. Moreover, all of us should also realize that there is no permanent relationship between religion and attire. So, before learning the translation of this chapter or to understand the translation of this chapter, we will see the story of this chapter in short. ये कहानी उस समय की है जब महात्मा गांधी ने अपना स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया था और स्वतंत्रता आंदोलन का सारा कार्य उनके साबरमती आश्रम से चल रहा था। एक दिन स्वामी सत्यदेव नाम के सन्यासी गांधी जी के आश्रम में आए और वो गांधी जी के देश की स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे कार्यों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गांधी जी से कहा कि मैं आपके आश्रम में प्रवेश करने के लिए और निवास करने की अनुमति चाहता हूँ और मैं भी देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने की बहुत महत्वपूर्ण इच्छा रखता हूँ। गांधी जी ने स्वामी सत्यदेव का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहा, बहुत अच्छी बात है, आपका इस आश्रम में स्वागत है, ये आश्रम आपका ही है, किंतु आश्रम में प्रवेश करने से पहले आपको आपके इन सेफ्रन क्लोथ्स यानी सन्यासी के द्वारा पहने गए वस्त्रों का त्याग करना पड़ेगा। और ऐसा आदेश सुनकर स्वामी सत्यदेव आश्चर्यचकित हो गए और मन ही मन क्रोध करने लगे, किंतु गांधी जी के सामने उन्हें अपना क्रोध प्रकट करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर उन्होंने गांधी जी से पूछा कि ये मेरे सेफ्रन क्लोथ्स या इन केसरी वस्त्रों का त्याग मैं क्यों करूं, इनका क्या अपराध है, मैं एक सन्यासी हूं और सन्यासी तो केसरी रंग के कपड़े ही पहनते हैं, तो मुझे इनका त्याग क्यों करना चाहिए। गांधी जी ने शांत स्वर से, शांत भाव से सत्यदेव की बातों को सुना और कहा कि आपने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही है, किंतु आप अपने सन्यास का त्याग करें ऐसा मेरा आशय नहीं था, मैंने तो सिर्फ आपको आपके इन केसरी वस्त्रों को त्याग करने के लिए कहा है। उसके बाद जब गांधी जी की बात उन्हें समझ में नहीं आई तो वो विचार की मुद्रा में चुप होकर खड़े हो गए। उनकी मनोदशा को समझकर गांधी जी ने उन्हें समझाते हुए बहुत ही मधुर स्वर में कहा और शांत भाव से कहा, देखिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए, हम सब यहाँ पर दूसरों की सेवा के लिए इकट्ठे हुए हैं और यही हमारा उद्देश्य है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में लोग साधु संतों की और खासकर जो केसरी रंग के कपड़े पहनते हैं ऐसे साधुओं की सेवा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, तो आप बताइए, अगर आप इन वस्त्रों को पहनकर उनकी सेवा करने जाएंगे तो पहली बात तो वो आपकी सेवा लेंगे नहीं और दूसरी बात वो सामने से आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, तो आप ही बताइए, क्या इससे हमारा उद्देश्य असफल नहीं हो जाएगा, क्या हमने जो सोचा है हम उन कार्यों में सफल हो पाएंगे, इसलिए मैंने आपको इन वस्त्रों का त्याग करने के लिए कहा। और वैसे भी संन्यास तो एक मनोगत अवस्था है, वस्त्रों से उसका कोई लेना देना नहीं होता। मेरा ये पक्का विश्वास है कि इन वस्त्रों का त्याग करने से आपके संन्यास का त्याग नहीं होगा, फिर भी आप अच्छे से विचार करें और जैसा करना चाहें वैसा करें।
अब स्वामी सत्यदेव को गांधी जी की बात समझ में आ गई थी और उसी क्षण वो अपने उन केसरी वस्त्रों का त्याग करके देश की सेवा और स्वतंत्रता के कार्यों में लगने के लिए तैयार हो गए। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी स्टोरी लेसन नंबर 8 की। फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ दिस चैप्टर यू हैव टू रेफर PDF given with this chapter. Thank you.